Hello, class 7th social. Now I am going to explain you this geography part. Geography lesson 3rd. Our changing earth. Come to the lessons. Now I am going to explain you the volcanoes. In the past, a volcano was known as the mountain of fire. Mountain of fire. आग का पहाड़ जिसको कहा जाता था पहले आग का पहाड़ जैसे आग का दरिया आग का पहाड़ एक्चुअली इट इज नॉट अ माउंटेन असली में ये कोई पहाड़ या पर्वतमाला नहीं है इट इज सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट इस ओपनिंग इस माउथ को बोलते हैं वेंट समटाइम्स द ओपनिंग कैन बी लॉन्ग क्रैक विच इज कॉल्ड फिशर The volcanic cone or mountain is formed when the erupted materials accumulate around the vent. The vent is connected to the earth's interior by a narrow pipe. A funnel-shaped hollow at the top of the cone is called crater. अगर इस पहाड़ को हम देखें यहां से हमें पता पड़ेगा इसका शेप चेंज होता है एक्चुअली ये जमीन का एक हिस्सा था पहले कुछ बहुत सालों पहले लाखों साल पहले हजारों साल पहले यहां से एक वेंट एक माउथ बना जो गड्ढे जैसा बना जिसमें से ये गर्म लावाएं निकलती है अगर लगातार ऐसे लावाएं निकलती जाए इसमें से गर्म एसेस जो गर्म वो होता है एस होते हैं इनके राख होते हैं ये राख धीरे धीरे इकट्ठा होता गया इसके ऊपर इकट्ठा होते 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 लाखों सालों में ये पहाड़ की शेप में बन गया इसका मुंह हमेशा खुला रहता है जिसको हम वेंट बोलते हैं वेंट के बाद जो फनल टाइप में इसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है फनल टाइप में पाइप के आकार में ये सीधे अंदर पृथ्वी के अंदर तक जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं अपनी लॉन्ग पाइप लॉन्ग क्रैक होते हैं इसको बोलते हैं फिशर और ये हॉलो जो टॉप से नीचे तक जुड़ा फनल शेप में होता है इसको बोलते हैं क्रैटर इसी को सोचेंगे पहाड़ नुमा क्योंकि इसके ऊपर ये जो लावा की गर्म एसेस होते हैं राख होती है जमने लग जाते सालों तक जमते जमते ये पहाड़ के शेप बनते हैं उसके बाद धीरे धीरे ये ऐसे लगेगा कोई पहाड़ है आग उगलता हुआ पहाड़ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन एक्टिव वॉल्केनोज डोरमेंट वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एक्टिव वॉल्केनोज और लिविंग वॉल्केनोज इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो द आउट लावा गैसेस एसेस रॉक्स Stromboli and Etna in Italy are active volcanoes. ये active volcanoes क्या है जो हमेशा आग उगलते रहते हैं हमेशा उसमें से लावा निकलती रहती है इनको नॉन स्टॉप Dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time. बहुत दिनों से खामोश है इसमें से लावाएं नहीं निकल रही है And sign that could erupt again. और हो सकता वो कभी भी उसमें से लावा निकलना स्टार्ट हो जाए Their vent is often blocked. कभी कभी उनका मुंह जो आग उगलने वाला मुंह होता है वो मुंह बंद हो जाता है विद द प्लग ऑफ सॉलिडिफाइड लावा कभी कभी गर्म लावा जो जम जाते हैं ठंडा हो जाता है और फिर उनका मुंह बंद हो जाता है इसलिए वो उनका लावा निकल नहीं पाता व्हेन डोरमेंट वॉल्केनोज इराप्ट दे ऑफन डू सो वेरी वायलेंटली और जब ये निकलता है बहुत ही भयानक तरीके से इनका ब्रस्ट होता है बहुत भयानक तरीके से इनका लावाएं निकलने लग जाती है Mount Vesuvius an excellent example of dormant volcano. It erupted in AD 79 with terrible force. Next आते हैं extinct volcanoes. They have not erupted in the known historical period. They are not likely to become active again. जो बहुत पुराना बहुत जमाने पहले या हजारों साल पहले इनमें से लावाएं निकली थी बट अब इनमें से लावा निकलने की संभावनाएं बहुत कम है बिल्कुल ना के बराबर माउंट केनिया इन अफ्रीका एंड माउंट एकोंकागुआ इन साउथ अमेरिका इज आर एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में आते हैं माउंट केनिया अफ्रीका में और माउंट एकोंकागुआ इन साउथ अमेरिका में इनमें से आप लावाएं निकलना बंद हो चुका है ओके नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट डे थैंक यू